चक्कर नहीं आगे बेटा मेरी नींद जागी भाई, इतनी तोड़ सी आग जगी थी इतनी। और धुआं बहुत कुछ बयान कर रहे है, ये धुआं रात एक घर तबाह कर दियो है, घर ऐसा गए सपना तबाह कर दिया है, सपना ऐसा गए जिंदगी सवा हो चुकी है। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी, और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र की एक मार्मिक, एक विहंगम दृश्य और हृदय विदारक तस्वीर है जो मैं थाने बता रहे हूँ। बिया तो खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में राजनीति का उथल पथल है जो होती रहे है। आज भी खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र गए खाजोड़ा के हृदय के मायने अतिक्रमण को हटाने पर लाखों करोड़ों नजर हैं जो केंद्रित है, क्योंकि सरकार की ओर हूँ और संभागीय आयुक्त नीरज के पवन साहब के आदेश अनुसार आज खाजवाड़ा को अतिक्रमण प्रमाण पर चढ़ेगा। इस वास्ते पूरे जिले की खबर हैं जो वाकई में आज खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के खाजवाड़ा अतिक्रमण पर केंद्रित है। लेकिन बैठे ही आप खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ही खबर दे रहे हैं, लेकिन आ खबर अलग है। इमें मसालों कोनी है, इमें TRP कोनी है, इमें झूठ कोनी है, इमें राजनीतिक चटपटी बातें कोनी है, क्योंकि एक गरीब की झोंपड़ी जलिए अभी तक धुओं है जो धुआं उठ रहे हैं। और मेरा आगे अन्न है जो अन्न को ढेर लागेड़ो है, हर एक गाड़ी पर लमसम लिखे हुआ है कि नो फार्मर नो फूड, यानी कि किसान नहीं है तो अन्न नहीं है। लेकिन आज वो अन्न है जो जल चुके हैं। रात की घटना बताई जा रही है 3:30 बजे की, पूरा एकदम स्टेटमेंट एकदम देखाऊंगा आप, पूरा सिस्टम है जो जल चुके है और लगभग बच्चों की कोनी और 15-20 जानवर भी है। और इंग्लिश साइड से देखोगा जेवरात की पेटी बताई जाएगी, शायद आज जेवरात की आ पेटी है, इन महीने मतलब को सोना चांदी है, आप रख रहे पूरा परिवार इकट्ठो है, चुनाव को टाइम है, चुनाव नज़दीक है, गरीब आदमी की झोंपड़ी जली जावे। सवाल खड़ो है कि आखिर गरीब खुद लगावे, आप बताओ पहला तो नहीं सा, कोई आपका घर ने आग कौन लगाना चाहे, लेकिन बजट है, सब कुछ है, गरीबा के लिए सारी चीज़ें हैं। रात कितना बजे बात है? 3 बजे है जी। बीटम थे कटा बीटम मैं बाहर आग देखी ने लो माजी दले और दबा दबा बुझाने करी पण बुझियो मसा बळ गयो सारो ये जुगाड़। 3 बजे कठूं बाज रहा के 3 बजे पड़ोसी आ दे। अच्छा थे पड़ोसी हो? हां। इन घर का मैन कौन है? अच्छा थे कटे आते हैं, के नाम आपनो? बचना राम मान जी। मार 8 जो माचो डालेड़ो माचो डाले जण आग लागी रात ने उठ खड़े हो नींद में जण बाद बुझाने कोशिश करी पण बुझे कोन पूरी झोंपड़ी आग लागी। गैस वगैरह मायना हो? गैस गैस की कोनी है, बहुत खाली हो गैस, पण वो लेट के वजह कोई तार फाल्ट हो गड़के हो केड़ा ऑटोमेटिक लागी आग लागी। घर में सामान वगैरह बता सको मतलब कितना कितना सामान में की और रजे है की बिस्तर की का गेणो रुपया गरीब क्यों फसल बेच रहा 50-60 हजार रुपया बेफल गया की गेणो जमीन पर आध बर्बादी हो या के हिस्सों के तीसरी पांती है। तीसरी पांती में कितों बच्चे थे खुद देख सको, लेकिन फिर भी 50-60 हजार रुपया आंग लिए, लाख रुपया सुकम को नहीं है। एक दिव्यांग बच्चों है, दिव्यांग बच्चों भी घसीट घसीट के रात है जो बाहर निकले है, एकदम पगाम चाली जाए को नहीं, घसीट घसीट के है जो बच्चों है जो जिंदगी संघर्ष कर रहे है। तो ये बच्चा ने क्या निकाले फिर? बच्चा तो फिर गोदी कर काटे हो, पहले भी नहीं बचाने कोशिश करे और तो चलो बलजीत कोई दिक्कत नहीं, बच्चा तो बाहर काटा मैं मर जान बचाई बच्चन बार काटो, फिर बच्चन बार काट फिर मैं घनी कोशिश करी बच्चन जी ताग पूरी जो फैल गई पानी पुणी अब डोला किन्ने डोला में आग खुद खुद बचे फिर मसा और तो कुछ समान और रजाई है बिस्तर है कि अन्न पानी पूरे टोटल जल जला गया की कहो बच्चे अब और फिर लगा बा बच्चे फिर मतलब जेवरात वगैरह भी हां मैंने मतलब एक जब सपनों उजड़ जावे जब सपनों परवान पर चढ़ जावे मतलब आदमी क्या क्या है तो गए मेरे कोई गुरु कोई भगवान लियो भी सो कोस लियो सर आज की गुरु मेरे के थे पैसा बढ़िया के मौका पर यार कोड़ी कोशिश करी मोटर चलाई है पानी चलाए है फिर ही बढ़ गयो गरीब आदमी बहुत कसी आगरा का मानसर बढ़ लागे कई कर सकता
सामान लाओ के बड़ो सामान आप टावरा कर लो मारे अरे वो लूली बैठे लूली कर लो गन ओ आ मसी पड़ थोड़ा पानी भी लाके साहब मत तो मानसा ही हो तो ये टेढ़ा हो गया रजई गुदरा सगड़ा लुई थाने सुखी बूर बेचार बापड़ खिंपांगी काई गांव साहब इते बोले जे मैं कंठ और दो गया मारा इति बीते छोरो मेरे को बड़ा सीन बोल छटे ए बापड़ो वो और साधो रोए देखी देखो मैं भगवान सुन खा चाय गोल भी आज मतलब चूल्हा कौन जगह वाला बिल्कुल सही है और मदद की गुहार है जो लगावा और एक बार चूल्हा जगह इनकी व्यवस्था है जो मैं मतलब हमारी टीम की ओर कर दिया हूँ अभी तुरंत ही और मैं कर दूँ जी 11,000 रुपये दे दी बहुत आभार धन्यवाद। तो एक शुरुआत है जो आज शुरुआत इस जगह हो चुकी है मित्रों तो गरीब आदमी का फोन पे नंबर वगैरह हुआ को नहीं ते मतलब के तरीके मदद करोगे थे जरूर बताइए अनपढ़ आदमी है बिल गई थर मतलब फोन चले करोगे थे कोई खाली समान ले मजदूरी करना लार घर है तो देख ऑफिशियल नंबर पर बात कर सको अगर आज तक मदद पहुंचाना चाहो तो मारू बात करके रास्ता कर सको और भी बाद में कोई सोल्यूशन है जो आप सोल्यूशन निकाल सका थे मतलब स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट भेज दियो जाओगे और जितना भी थे भामाशाह मदद करोगा तो वापिस ही जगह यार आने राशि भी सौंप दी जाएगी और आने वो मतलब पूरा एक वीडियो है वो भी थाने बता दिया जाओगे क्योंकि आके ना तो अभी फोन बैंक है कुछ भी है पूरा एकदम घर है जो जल के राख हो चुके हैं पूरो और गृहिणी है कौन कौन आप बेटम गृहिणी है और मतलब आंगो भी एक दर्द है बेटम के बात हुई भाई के बात हुई बेटम चेकर नहीं आगे बेटम मेरी नींद जागी भाई इतनी तोड़ सी आग जगी थी इतनी जगी जितना अंत गया जितन जागी जितन पूरी आग लागी बिचालू और लागी बाप दूसरी बुझी जित बिचालू और लागी आग बिथ जागी थी मेरे छोरा ने कार फेंक के बारे मिलने मैं मेरे देवर आ गया मच्छा मेरा तक के पर बगाया बाप ने मेरे तो मच्छा ही कौन चखी दिया बच्चों जो दिव्यांग बच्चों है वो बच्चों पकड़ के खेंचियों में अच्छा बारा खेंच कर गुदड़ गदड़ की कौन कड़े बे कुकड़ी यार बे सारे मर गया मायने पिसान मेरा टुम्मा मेरी छोरियां की सारी बढ़ गई की कौन बच्चों एक बार थोड़ा सा थे ग्रहणी हो थोड़ा सा बताओ कि टुम्मा टाकी में के कुछ हो ताकि आप मतलब सोना की मादड़ी हो तिल्ली सोने की फिर एक गलाला कई सिमान हो जोगाड़ घनी छोटी छोटी बिंटिया चांदी की सोना गिर सारी इतो सिमान में छोरे ब्याह मांडे में लारे सी कब जब छोरे कपड़ा पूरा ही बल गया मेरा बरियार मतलब एक अस्थाई तौर पर ट्राली के अंदर आपको आशियाने है जो आशियानों जता रखे है तो जो टाइम आग लगी बीटम थाने कोई की पर शक सुबो है या के वजह लगी कोई पतो है थाने पतो बा तोर सी आग लगी पर मेरी नींद जागी एकदम ही तार बड़ी बा तार पड़ी ने बा बड़ी तार लोई तार तार लगाड़ी तार लगी आग इती तार जगी थोड़ी सी फिर आन जगया मैं के तार बग्गी में खड़े हो आग लागी झोपड़ी के मेरे देवर ने हेलो मारे जितन मेरे तो बाल्टी कौन चक्कर भरे दो बाल्टी भरी जी जितन चक्की जी कौन जितन इन बिंजा राम जी आ गया फिर आए इन सारा पड़ोसी आ गया भाज भाज के सारे ही आ गया भाज भाज तो आज की तस्वीर है ये तस्वीर ने मैं इस जगह विराम दूं लेकिन विराम देने वाली तस्वीर को नहीं मदद करने की है जो तस्वीर बयान कर रहे हैं आप आए दिन लगातार इसी घटना है जो कवरेज कर रहे हैं फिलहाल खाने पीने की व्यवस्था है जो आगे प्राथमिक तौर पर कर दी जाएगी और इंद्र सिंह जी की ओर हूँ 11,000 रुपया की भी मदद करी गई है आपसू भी अनुरोध है और आसपास जितना भी भामाशाह लोग बैठे हैं जमीन जायदाद वाला लोग बैठे हैं एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मतलब तिनका मतलब बहुत कुछ हुआ है बूंद बूंद सु पानी मतलब है जो घड़ों भर दे हुए तो आप उम्मीद है कि अगर 100 लोग भी निकल के बारा आएगा तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर इस जगह आप काल के दिन पेश कराएगा फिलहाल आभार धन्यवाद नमस्कार।